हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू श्रीमा एजुकेशन कंसल्टेंसी। पोस्ट कोविड 19 कैटास्ट्रोफ की एजुकेशन अब्रॉड के ऊपर जो इम्पैक्ट्स हैं, जो साइड इफेक्ट्स हैं, उसके बारे में हम इस सीरीज़ में डिस्कस कर रहे थे। आज हमारा लास्ट एपिसोड है। इसके पहले एपिसोड में हमने देखा था कि उसके बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है, बेसिक डाउट्स क्या है अपने लोगों के मन में, स्टूडेंट्स के मन में, या तो जो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे उनके मन में। सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि यूनिवर्सिटीज़ ने ये स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को कैसे सिक्योरिटी देनी चाहिए, कौन सा सपोर्ट देना चाहिए, कौन से स्कीम्स प्लान करने चाहिए। इस पार्ट में हम आपको ये बताएंगे श्रीमा एजुकेशन कंसल्टेंसी आपको किस तरीके से सपोर्ट देती है, कौन से स्कीम्स आपके लिए हमने बनाए हैं और किस तरीके से आप उनका बेनिफिट्स ले सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, काउंसलिंग इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप किसी भी वक्त कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड काउंसलिंग के लिए हमें अप्रोच कर सकते हैं। हमारी पुरानी स्कीम थी जिसको हमने अभी लॉकडाउन के पीरियड की वजह से नया मॉडिफाई किया हुआ है, उसका नाम है काउंसलिंग ऑन टेलीफोन। तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए हमें कॉल कर सकते हैं या तो सिर्फ मिस कॉल दे सकते हैं, हम आपको कॉल बैक करेंगे। इसके अंदर आपको पूरी काउंसलिंग की जो इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन से लेके फीस की इन्फॉर्मेशन तक, और उसमें क्या सर्विसेज हैं, उसमें क्या सपोर्ट दिए जाएंगे, आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, उसके बाद उसके सर्टिफिकेशन के बारे में और हर तरीके के बारे में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है, ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको फ़ोन पर मिल सकती है। काउंसलिंग के साथ साथ एक और चीज़ हम यहाँ मेंशन करना चाहते हैं जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है। हमारे कंसल्टेंसी में काफ़ी लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो खुद फॉरेन से पढ़ के आए हैं या तो जिनके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं। तो एडमिशन ख़त्म होने के बाद आपका बच्चा जब फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाता है, प्रैक्टिकली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, बट हम इसे थोड़ा आगे ले जाना चाहते हैं। आपका बच्चा जब तक डिग्री कंप्लीट नहीं करता है तब तक उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। इसका मतलब क्या है कि इसके बीच में आपको अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आते हैं तो उसका हम आपको काउंसलिंग करेंगे। इसके बीच में क्लासेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसके लिए हम आपको हेल्प आउट करेंगे। इसके बीच में कोई अगर लीगल प्रॉब्लम्स आते हैं, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, पढ़ाई रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं तो भी हम आपको हेल्प आउट करेंगे। फ्री काउंसलिंग के साथ साथ आपको सपोर्टिव इन्फॉर्मेशन भी हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। इसका मतलब जो भी आपको लोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, ट्रैवलिंग रिलेटेड है, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड, एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंटेशन अगर करना है अपार्ट फ्रॉम एडमिशन प्रोसेस, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम रिलेटेड होगा या तो स्कॉलरशिप रिलेटेड होगा, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ और यूनिवर्सिटीज़ स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी अवेलेबल करती है, तो उसमें अगर आपको कोई इंटरेस्ट है तो उसकी इन्फॉर्मेशन है, फॉरेक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, इसके साथ साथ पार्ट टाइम जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। ये सारे पॉसिबिलिटीज़ और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आपको इसके अंदर प्रोवाइड की जाएगी। इन्फॉर्मेशन के साथ साथ काफ़ी सारी सर्विसेज हैं जो पेड सर्विसेज होती है, पर हमारी कंसल्टेंसी में हमने उसे कॉम्प्लीमेंट्री तौर पे रखा हुआ है। एट द सेम टाइम हमने अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड काफ़ी एक्स्ट्रा सर्विसेज इसमें ऐड किए हुए हैं जिसके बेनिफिट्स डायरेक्टली आपके बच्चे को हो सकते हैं। इसमें जैसे कि है एयरपोर्ट पिकअप, जब आप फॉरेन कंट्री में लैंड करते हैं तो एयरपोर्ट से यूनिवर्सिटी या तो एयरपोर्ट से हॉस्टल आपको जाने के लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज किया जाता है, उसका एडिशनल चार्जेस आपको पे करने होते हैं। हमारी कंसल्टेंसी आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं जिसके अंदर आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। सेकेंड है एजुकेशन रिलेटेड मटेरियल या तो एजुकेशन रिलेटेड जो बुक्स होते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जितने मटेरियल हम प्रोवाइड कर सकते हैं उतने करेंगे। जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स को हम फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक के सारे बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, यस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जिसके अंदर आपको कोई भी तरीके के फीस इसमें पे नहीं करने हैं। चॉइस ऑफ बुक्स हमारे होंगे अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो सेट पूरा बना हुआ है, तो ये एक आपके लिए काफ़ी एडिशनल
एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि मेडिकल के बुक्स एक सब्जेक्ट के लिए काफ़ी रेफरेंस बुक्स आपको यूज़ करने पड़ते हैं, तो ये सारा एक कॉम्प्लेक्स जो है वो सारे बुक्स का बना हुआ है। इसके साथ साथ हम ये भी कोशिश करेंगे कि अपने स्टूडेंट्स को हम फ्री एयर टिकट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम बैगेज अलाउंस बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। वीज़ा की प्रोसेस भी हमारी तरफ से ही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, स्कॉलरशिप में कभी कभी वो पॉसिबल नहीं होता है, तो ये वीज़ा की प्रोसेस जो है वो क्विक हो जाए, ये भी हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके साथ साथ हम आते हैं सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर कि एडमिशन प्रोसेस जो है वो कभी कभी काफ़ी लंबी होती है। सो ऑब्वियसली आप हमें डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो हम एडमिशन प्रोसेस चालू करते हैं। हैसल फ्री एडमिशन प्रोसेस जो है वो हमारा पहले से ही प्रॉमिस रहा है। एट द सेम टाइम हम आगे चल के ये भी देखेंगे कि ये टाइम कंज्यूमिंग ना हो, ताकि जिसमें 15-20 दिन लग रहे हैं उसको हम शायद कुछ दिनों के अंदर करने की कोशिश करेंगे। कम से कम दिनों के अंदर इसको प्रोसेस करने की कोशिश करने की वजह से आपको डायरेक्टली फ़ायदा होता है कि आपके क्लासेस जो जल्दी चालू होने वाले हैं उस पे आपके बच्चे को अफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसकी पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए। एट द सेम टाइम हम ऐसे भी यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल करेंगे जो इस कैटास्ट्रोफ की वजह से लेट एडमिशन लेने के लिए रेडी है। इसका मतलब समझ लीजिए, अगर 1 सितंबर को आपके क्लासेस चालू हो रहे हैं पर आपकी यूनिवर्सिटी अक्टूबर या नवंबर तक आपके एडमिशन लेने को रेडी है, बट एट द सेम टाइम आपके जो मिस हुए क्लासेस हैं उसको भी वो कवरअप करने वाले हैं। अब एडमिशन की बात निकली है तो उससे रिलेटेड और स्टडीज़ रिलेटेड जो भी सपोर्ट यूनिवर्सिटी आपको देने वाली है उसका हम पहले से ही स्टडी करके आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन रेडी रखेंगे, ताकि आपको पता चले कि आपके बच्चे को किस तरीके से वहाँ हेल्प मिल सकती है यूनिवर्सिटी की तरफ से। जैसे बुक्स तो अवेलेबल है ही, पर जैसे हमने पिछली बार भी कहा था कि फिर से अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, भगवान ना करे कि आए, पर अगर कोई सिचुएशन आती है कुछ दिनों के लिए फिर से अगर हमें आइसोलेशन में जाना पड़ सकता है, तो स्टडीज़ के ऊपर उसका इफ़ेक्ट नहीं होगा, इसकी गारंटी यूनिवर्सिटी ने देनी चाहिए। उसके लिए उनका बैकअप प्लान रेडी होना चाहिए। एट द सेम टाइम उनके लेक्चर और सारे एनवायरनमेंट्स जो हैं वो सेफ है, फ्रेंडली है, एट द सेम टाइम सिक्योर भी है। इकोनॉमिकल सिक्योरिटी है, मतलब जिन्होंने फीस चेंज नहीं किए हैं, जिनके स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स जो है वो अभी भी इंटैक्ट चल रहे हैं, और डॉलर का जिनके ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। कई यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलके मेस अवेलेबिलिटी होती है, या तो फिर प्राइवेट हॉस्टल्स अवेलेबल होते हैं। अगर उन्हीं के हॉस्टल अवेलेबल हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है, हम वही ऑप्शन प्रेफर करेंगे, बट एट द सेम टाइम एकोमोडेशन के जो लेवल है वो काफ़ी हाई होने चाहिए। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए MCI की जो ट्रेनिंग है, कोचिंग है, वो अगर प्रोवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है, इसका भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जैसे कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स अभी भी पेंडिंग है, 12th के एग्ज़ाम के बारे में अभी भी फाइनल रिजल्ट आए नहीं हैं, नीट के एग्ज़ाम के बारे में अभी भी सस्पेंशन चालू है, IELTS और GRE के टेस्ट सस्पेंड किए गए हैं। सो इस सिचुएशन में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपके रिजल्ट से पहले भी आपका एप्लीकेशन लेने को रेडी है, ये भी इंफॉर्मेशन हम आपको उसी के साथ प्रोवाइड करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी यहाँ है कि ठीक है, हमने देखा कि फ़ी के बारे में आपकी सिक्योरिटी है, बच्चे के हेल्थ के बारे में आपकी सिक्योरिटी है, हमने आपको काफ़ी सारे कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज दिए हुए हैं, बट एट द सेम टाइम कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जो आपको लोएस्ट पैकेज ऑफर कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हमने ये भी देखना है कि वो किसी भी तरीके से स्टडीज़ की जो क्वालिटी है उसको हार्म नहीं कर रहे हैं, उसको इंटैक्ट रखते हुए जो पैकेजेस हैं वो आपको लो कॉस्ट में ऑफर हो रहे हैं। आगे चलते हुए हर ऑप्शन जो हमें चूज करना है, हमारी तरफ से आपको जो ऑफर होने वाला है वो आपके भी पॉइंट ऑफ व्यू से है, हमारे भी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारे इन जनरल एक्सपीरियंस है, बट
सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्शन होगा या तो जो भी ऑप्शन हमारी तरफ से उनको ऑफर किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि उनको कौन सी कंट्री में पढ़ाई करने से बेनिफिट ज़्यादा होगा, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने से बेनिफिट ज़्यादा होगा, कौन सी यूनिवर्सिटी उनको ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है। जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो आयरलैंड जाना चाहते हैं, कैनेडा जाना चाहते हैं, यूएस यूके जाना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बट एट द सेम टाइम अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो GRE और IELTS के एग्ज़ाम के लिए रिलैक्सेशन, अपने रूल्स को रिलैक्स कर चुके हैं, तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट आप ही के बच्चे को मिलने वाला है। तो उसके बारे में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आपको अवेलेबल है। एट द सेम टाइम दूसरे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अफोर्डेबल है, बट उनमें भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं। नॉट नेसेसरी जो यूनिवर्सिटी सस्ता है उसमें एजुकेशन क्वालिटी ख़राब होगी, और नॉट नेसेसरी जो यूनिवर्सिटी महंगा है उसी में एजुकेशन क्वालिटी अच्छी होगी। तो हर तरीके से आपके सिर्फ स्टडीज़ के ऊपर नहीं, आपके बच्चे के फ्यूचर जो करियर है उसके ऊपर किस सिलेक्शन का ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा वो हम सिलेक्ट करने की यहाँ पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ ये एपिसोड हम यहाँ ख़त्म करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट छोड़िए ताकि हमें पता चले कि आपको हमारे बारे में क्या लगता है या ये वीडियो आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव था या नहीं था। बेल आइकन प्रेस कीजिए तो आपको नए आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं, किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत हो, और जैसा हमने पहले भी कहा था, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स जो हैं जो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, भले हमारी कंसल्टेंसी से नहीं गए हुए हैं, फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है, आपको कोई और ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं, आप प्लीज़ हमें कॉल कीजिए, हम आपको हेल्प करने के लिए ही यहाँ बैठे हुए हैं। घर पर रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए।